जयंत जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के बिजली विभाग SC ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि ठीक यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार का माहौल हो चुका है। एक तरफ पुलिस प्रशासन और दूसरी तरफ बिजली विभाग के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल मैं बात करता हूँ हिमांशु भाई को, पहले अच्छी तरह दिखा दी हिमांशु भाई, देख सकते धरने प्रदर्शन पर सभी कर्मचारियों को आना पड़ गया। फिलहाल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस के माध्यम से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिलहाल एक बार बैनर की तरफ भी कहता हूँ, दिखा दी हिमांशु भाई अच्छी तरह, कुछ लोग मौजूद है फिलहाल, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है और ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जिसके चलते हुए सभी कर्मचारियों को इकट्ठा होकर और फिलहाल धरना प्रदर्शन और रोड शो की करने की नौबत आ गई। फिलहाल कुछ लोग मौजूद है, पहले तो प्रधान जी यहाँ के इन बिजली महकमे विभाग के, मैं बात करूँ कर्मचारियों के, उनसे जान लेते हैं पहले कि ऐसा क्या करना। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ये मेरे साथी स्टेट में हमारे जोनल ऑर्गेनाइजर हैं विनोद सैनी जी और सभी हिसार सर्कल के जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय साथियों और हिसार के और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी श्रोताओं को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये SC हिसार सबरवाल साहब हैं ये बड़े ही नेगेटिव, नकारा जिसको बोला जाएगा, और निठल्ले तरकाऊ किस्म के अधिकारी हैं। किसी भी काम के लिए इनसे बात करें, हाँ हाँ हो जाएगा, वो काम 6-6 महीने इनकी मेज पर पड़ा रहता है। जब कोई आम कर्मचारी इनके पास आए, इनके दलों से मिले, कोई देना लेना करे तो उनके काम कर दिए जाते हैं। इन SC साहब ने, हमने इनको लगभग 3 महीने पहले एक 21-सूत्रीय मांग पत्र दिया था जिसके मार्फत 3 बार रिमाइंडर भी दिया जा चुका है और यूनियन बार 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 चेताया भी जा चुका है, और चेताने के बावजूद भी SC साहब यूनियन को हल्के में ले रहे हैं, कर्मचारियों के काम नहीं कर रहे हैं। जिसके प्रति कर्मचारी जब सर्कल ऑफिस में बात करने के लिए आए तो बात करने के बाद में इन SC साहब ने ना तो बात करी और अपने ही दफ्तर के किसी अपने चहेते किसी कर्मचारी से, हमारे यूनियन के प्रतिनिधि दलबीर सोरान जो स्टेट में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और हिसार सर्कल के सर्कल सचिव प्रभारी हैं, उनके ऊपर और हमारे एक कर्मचारी पर झूठी FIR दर्ज करा दी, जिसका यूनियन बड़े कड़े शब्दों में विरोध करती है और बाप को बता देना चाहती है। ना ही तो हमारे कर्मचारियों ने किसी भी तरह की कोई सबोटेज की, कोई नुकसान किया, जो कि इन्होंने हमारे कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने दफ्तर की कार्रवाई को रोका, सरकारी काम में बाधा डाली। हम सरकारी कर्मचारी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 50 साल 55 साल 45 साल 52 साल 57 साल की एज के बुजुर्ग जो काम करने वाले कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, क्या वो सपोर्टेज करेंगे? अगर वो कर्मचारी सपोर्टेज करेंगे तो इस बिजली को क्या खंबे को SC साहब जा कर के रोकते हैं क्या फील्ड में? ये SC साहब की एक सोची समझी मनगढ़ंत एक अच्छी रूपरेखा तैयार करके हमारे नेताओं के ऊपर एक आरोप लगाया गया है, जिसकी हम मांग करते हैं कि ये उसको निरस्त करें FIR को, और हमारे जो कर्मचारियों के लंबे समय से डिमांड पड़ी हैं उनको इनको बुला करके समाधान करें। नहीं तो SC साहब वो समय दूर नहीं होगा आपका जुलूस हिसार हिसार में नहीं पूरे हरियाणा में दिखाया जाएगा, जिसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से RK सबरवाल SC होंगे, ना कि कोई और। सर एक बात सुनने में ये भी आती है कि जो आपकी मांगे होती है वो भी पूरी नहीं की जाती, ऐसा भी कुछ मामला सामने निकल कर आया है? ये मांग अगर पूरी कर देते, अगर ये मांग ही पूरी कर दे, मैं कहता हूँ आज कर दे, हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं, SC साहब आज बुलाएं आज कर दें, हम आज ही प्रदर्शन समाप्त कर देंगे। अगर नहीं बुलाएंगे तो प्रदर्शन पहले भी होते रहे हैं, अब भी हो रहा और आगे भी होगा। जनाब एक बात और होता है, जो SC साहब है अगर मैं बात करता हूँ, वो भी सुनने में आते हैं कि ड्यूटी पर होते ही नहीं, शाम के समय आते हैं। SC साहब शाम को हरियाणा सरकार का, मैं आपको मीडिया के मार्फत एक बता देता हूँ, हरियाणा की सरकार ने एक पत्र जारी किया हुआ है जिसमें शाम को और छुट्टी के दिन काम करना अपराध माना गया है। आप भली भांति से अनभिज्ञ हैं, इस बात को जानते हैं कि अपराध है। उस रूल रेगुलेशन को दरकिनार करते हुए शाम को 6 बजे के बाद दफ्तर लगता है, अपने चहेतों के साथ चाय समोसा खाया जाता है, लेना देना किया जाता है, और शनिवार इतवार को जो ना होने वाले काम हैं उनको धक्के से, कर्मचारी जो नहीं चाहते करना दबाव में पैसे लेके पैसे के लालच में करवाया जाता है।
एससी साहब की एक सोची समझी चाल है। सर आपको उम्मीद है आप प्रदर्शन कर रहे इकट्ठा हुए हैं, आपकी मांगे मानी जाएगी? भाई मेरी जन में तो मानना को नहीं, बिना लात लग गया इसके पीछे पीछे ले है, पीछे ले के काम कराया जब। ये थोड़े हमारे उग्र साथी हैं, इनका लहजा जो बोलने का है थोड़ा, क्योंकि ये सीनियर हैं बोल देते हैं। असलियत के अंदर क्या है, ये एससी साहब का रवैया प्योरली नेगेटिव है, काम नहीं करना चाहते और टकराना चाहते हैं। बार बार इनके द्वार पर आप सब द्वारा देखा गया होगा, अभी 2 से 3 दिन पहले यहाँ अनुबंधित कर्मचारियों का प्रदर्शन भी था, उनको समय पर सैलरी नहीं दी जाती। मैं मांग करता हूँ, चाहे वो दूसरा ही संगठन है तो कर्मचारी, चाहे वो कच्चा है चाहे वो पक्का है, कर्मचारी तो है, काम तो कर रहा है, काम करके पैसे तो नहीं ले रहा। इन एसी साहब की तरह सारा दिन घूम घाम के फील्ड में, घर पे सो के एसी के कमरे में और शाम को 6 बजे दफ्तर में तो नहीं आते ना। वो काम के लिए अगर 1 तारीख को तनख्वाह मांगते हैं तो क्या गलत है, उनको देनी चाहिए। और हमारी भी पुरजोर अपील है, हमने भी अपने एजेंडे में डाल रखा है, कच्चे कर्मचारी को 1 तारीख को जैसे पक्के को तनख्वाह मिलती है उनको भी मिलनी चाहिए। तो भाई जैसे कि आपने बिजली विभाग के अधिकारियों की बात सुनी, कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि उनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर एक बात है, जैसे कि अपनी मांगों को लेकर आप लोग जो सड़कों पर आ चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको उम्मीद है कि एससी साहब आपकी मांगे मानेंगे और आगे प्रशासन की बात बताएंगे? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एससी साहब मांगे मानने मानेंगे, हमारे बीच में आगे गलती मानेंगे और एससी साहब को मांगे माननी पड़ेंगी, आज नहीं तो कल। एससी साहब के ऊपर हमने छूट कर दी है कि एससी साहब आपको जब तक हमें यहाँ पे बैठा के रखना है बैठा के रखना है, अगर ये निमंत्रण ऐसे ही चला रहा तो हम 2, 4 या 5 दिन बाद हम पूरा सर्कल बंद करने की भी घोषणा कर सकते हैं। अगर मांगे ना पूरी की जाए, जब सर्कल बंद करने की बात करें, आगे की लड़ाई कैसी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी? मांगे पूरी नहीं की गई तो हम पूरा सर्कल बंद करने, सर्कल को बंद कर देंगे पूरे के साथ की साथ में, हम विद्युत नगर में धरना देंगे, जो आगे की हमारी सेंट्रल काउंसिल जैसा हमें रणनीतिक प्रोग्राम बताएगी हम उसी हिसाब से काम करेंगे। आगे मांगे हमारी है, कर्मचारी के बहुत सारे मांग पेंडिंग पड़े, 14 साल से एलएम से लाइनमैन की प्रमोशन पेंडिंग पड़ी थी, जब यूनियन ने प्रेशर दे के एससी हिसार से वो प्रमोशन करवाई तो एससी ने वो एमडी के पास भेज दिया अप्रूवल के लिए। कम से कम 150 कर्मचारियों की प्रमोशन पेंडिंग पड़ी है, एसीबी केसेस पेंडिंग पड़े हैं, एलटीसी केसेस पेंडिंग पड़े हैं, पेंशन केसेस पेंडिंग पड़े हैं, इनके पास किसी लोन के लिए, किसी कर्मचारी को अगर अपना जीपीएफ निकलवाना है, अपनी बच्ची की शादी के लिए जीपीएफ निकला, 6-6 महीने इनकी फाइल पड़ी रहती है, उस बच्चे की शादी हो जाती है लेकिन ये लोन पास नहीं करना देते। एक बात है, सरकार अगर एक सत्ता में बैठी सरकार एक दावा करती है कि बढ़िया शिक्षा देते हैं, बढ़िया कर्मचारियों को रोजगार और हर सुविधा देते हैं, ऐसा है या नहीं? सरकार के बारे में कहने का मुझे यहाँ से मीडिया के माध्यम से कोई जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये कर्मचारी बैठे हैं सड़कों पर, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए अगर सरकार इतनी भली होती तो वहाँ से 9 महीने 9.5 महीने उन किसानों को हो गए, उनकी नहीं सुन रही, इन कर्मचारियों की नहीं सुन रही। हर वर्ग पीड़ित है इस सरकार से, इस सरकार के अंदर जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, जिन्होंने सेंट्रलाइज गुंडागर्दी करी है, कांग्रेस राज में एक तरीके से डिसेंट्रलाइज था, इन्होंने हर शहर हर डिस्ट्रिक्ट के साथ सेंट्रलाइज गुंडागर्दी करी ताकि अपने ही 2-4 बंदों को सब कुछ ठेके दिए हैं, सब कुछ किया है। इस सरकार में भविष्य में हमें पता चलेगा इस सरकार में कितने गबन हुए हैं, कितने गुंडागर्दी है। उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, मांगे मानी जाएंगी, 100% मांगी जाएंगी। फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी गहमा गहमी का माहौल हो चुका है, एक तरफ पुलिस प्रशासन एससी ऑफिस के बाहर में अगर बात करता हूं, दूसरी तरफ सारे कर्मचारी देख सकते हैं फिलहाल यहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेकर यहां पर मौजूद हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये रहती है कि किस प्रकार मांगे मानी जाएगी और जो भी इनकी आने वाले समय में अगर मांगे नहीं मानी गई तो इनका कहना है कि जो सर्कल हाउस अगर कुछ भी है बिजली विभाग का जो होता है उसे बिजली सप्लाई के खास तौर पर बात कर रहा हूं, बिजली सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सभी कर्मचारियों की तरफ से रोष काफ़ी, और जितने भी कर्मचारी सभी के अंदर काफ़ी रोष है और जोश भी है, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपका क्या मानना है। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं चिराग शर्मा, आप देखते रहे आरएसएन एक्सप्रेस, तब तक के लिए धन्यवाद।